hello guys welcome to chemistrified in this video I'm going to explain you derivation of Michaelis Menten equation so this topic come under steady-state enzyme kinetics so let's start this topic this theory proposed by Michaelis and Menten in 1913 is based upon the following assumption to in kuch assumption ko use kiya hai. so let's start इन्जाइम सर्फेस कंटेनिंग डेफिनेट नंबर ऑफ एक्टिव साइड ऑन विच गैशियस सब्सटेट मॉलिक्यूल आर एडजॉर्ब टू फॉर्म इन्जाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स इन्जाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में अंडर गो डी कम्पोजिशन टू गेव एज दी प्रोडक्ट सो इन्होंने क्या इंसेप्शन कंसिडर करें इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि इंजाइम है उसके पास एक्टिव साइड होगी जिसपे आकर इंजाइम सब्सटेट अटैच हो जाएगा और हमारा इंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यही इंज़ाइम सब्सट्रेट डिकम्पोजिशन शो करेगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा जैसे ये क्वेश्चन है इंजाइम सब्सट्रेट से रिएक्ट करा और हमें इंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स मिल गया इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है और K-1 है क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है दूसरी रिएक्शन में क्या हुआ इंजाइम सब्स्ट्रेट जो बना था वही डिकम्पोज हो गया और हमें प्रोडक्ट और हमारा इंजाइम वापस मिल गया हमारी फर्स्ट रिएक्शन फास्ट है और सेकेंड रिएक्शन स्लो है तो हमें पता है कि हमारी जो स्लो रिएक्शन होती है वो ही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो हमारा रेट कैसा होगा रेट विल बी इक्वल टू के टू इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अब हम क्या अप्लाई करेंगे अब हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सि अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे सो so, डी ES अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू जीरो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स विल बी इक्वल टू जीरो तो जब भी हम स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेटन अप्लाई करते हैं तो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स किसके बराबर होगा रेट ऑफ डी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स के बराबर होगा सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस यानी हमारा ई एस किस स्टेप में बन रहा है तो आप देख सकते हैं इन दोनों स्टेप में से सिर्फ ई एस हमारी फर्स्ट स्टेप में बन रहा है सो so, हम कैसे ऐसे लिखेंगे के वन क्या है हमारा रेट कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट ई एस बन किसके का वजह से रहा है ई e और एस सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यानी के वन ई एस तो ये हमारा क्या शो कर रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट अब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा इंजाइन सॉरी इंजाइम सबसे कॉम्प्लेक्स किसमें ब्रेक डाउन यानी टूट रहा है तो वो दोनों ही इक्वेशन में टूट रहा है एक तो इस इक्वेशन में अगर क्योंकि ये रिवर्सिबल इक्वेशन है तो इसमें भी टूट रहा है और ये इसमें भी टूट रहा है तो हम इन दोनों इक्वेशन का रेट निकालेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे सो so, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है ई एस टूट रहा है हमें ई और एस दे रहा है तो इसका रेट क्या होगा के माइनस वन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस अब इस इक्वेशन में भी ये ब्रेकडाउन हो रहा है तो के टू इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स और इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लेंगे नाउ अब आपको कंसीडर करना है कि हमारे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम किसके बराबर होगा वो नंबर ऑफ वैकेंट साइट कितने हमारे एंजाइम वैकेंट है और कितने हमारे एंजाइम ऑक्यूपाइड साइट हो गए मतलब एंजाइम सब्सिट कॉम्प्लेक्स बन गया है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम को हम ई नॉट से डिनोट करेंगे वेकेंट को हम ई e से करेंगे वेकेंट एंजाइम और ऑक्यूपाइड साइट यानी हमारे एंजाइम सब्सिट कॉम्प्लेक्स कितने बन गए उन्हें हम ई एस से डिनोट करेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर टू दे देंगे अब हम इक्वेशन टू को रीअरेंज करेंगे तो हमें बोलेगा इंजाइम कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम माइनस इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन अगर नाउ वी विल कंसीडर जब हमारा टाइम बिल्कुल स्टार्ट हुआ मतलब टी इक्वल्स टू जीरो जब जीरो होगा तो हमारे जो इनिशियल इंजाइम होगा वो किसके बराबर होगा वो हमारे वैकेंट साइट ऑफ इंजाइम के ही बराबर होगा क्योंकि अभी मतलब कम ऑक्यूपाइड करना स्टार्ट नहीं हुआ है तो ई नॉट विल बी इक्वल टू ई एस ना देन कम्स जब हमारे एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो गए तब क्योंकि अब सारी वैकेंट साइट खत्म हो गई है तो हमारा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम है वो किसके बराबर होगा वो ई एस के बराबर होगा और इन इक्वेशन को हम नेम कर देंगे अकॉर्डिंगली जैसे ये क्वेश्चन टू हो गई ये थ्री हो गई ये फोर हो गई ये फाइव हो गई नेक्स्ट कम कि हमारा नाव अब हमारा रेट मैक्सिमम कब होगा तो जो ही हमारे रेट कांस्टेंट की रिएक्शन है उसमें हम आर मैक्स लगा देंगे और हमारा मैक्सिमम रेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो आर मैक्स विल बी इक्वल टू के टू इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स अब ये हमारी सारी बेसिक इक्वेशन बन गई है मिकलस मेंटन इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए अब हम इन सब इक्वेशन का यूज करते हुए मिकलिस मेंटन इक्वेशन को ड्राइव करेंगे सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे हम हमारे जो इंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंजाइम की वैल्यू मिली है हमें इक्वेशन टू से हम उसे इक्वेशन वन में पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन टू में हमें इंजाइम की सॉरी इक्वेशन थ्री में हमें इंजाइम की वैल्यू क्या मिली थी ई नॉट माइनस ई एस मिली थी अब हम इस और हमारे इक्वेशन वन क्या है हमारी इक्वेशन है के वन ई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस इक्वल टू के माइनस वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सिट्यूट कॉम्प्लेक्स प्लस के टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सिट्यूट कॉम्प्लेक्स अब इस ई e की जगह हम इस ई e की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे यानी ये ई e हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा ई e नॉट माइनस ई e एस सो so, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी के वन ई नॉट माइनस ई एस इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्स्टेट इक्वल टू के माइनस वन इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट कॉम्प्लेक्स प्लस के टू इंटू इनजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन अब हम क्या करेंगे हम सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे हम के वन और एस को पहले ई नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस माइनस साइन लगाएंगे और के वन और एस को ई एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी हम देखते हैं वो हो जाएगी के वन ई नॉट की कॉन्सनट्रेशन इंटू एस क्योंकि हमने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा है माइनस साइन आया तो माइनस साइन लगाया फिर वापस के वन इन टू ई एस इन टू एस इक्वल टू साइन लगाया ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है फिर हमने इसमें एक और चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर ई एस और ई एस दोनों में क्या है कॉमन है तो हमने ई एस को कॉमन निकल कॉमन निकाल दिया और के माइनस वन और के प्लस टू को ऐड करके ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया इसको हमने इक्वेशन नंबर एट नेम कर दिया अब हम इक्वेशन एट को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा के वन इन टू इनिशियल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इन टू सबस्ट्रेट इक्वल टू के वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस ई एस इन टू के टू अब हम क्या करेंगे यहां पर हम देख सकते हैं कि ई एस ईएस दोनों में क्या है कॉमन है तो हम ई एस दोनों इक्वेशन में से इस इक्वेशन में से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे अंदर क्या बचेगा K1 ES चला गया तो बस ES तो बाहर चला गया है फिर S लिखेंगे प्लस यहाँ से भी ES जा चुका है बाहर हम लिखेंगे K K के माइनस वन प्लस के टू अब हम ES को उसकी जगह पर रहने देंगे और इस टर्म को यहाँ से डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे ठीक है तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स विल बी इक्वल टू के वन इन टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट अप क्योंकि ये टर्म पूरा नीचे जा चुका है तो के वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट प्लस के माइनस वन प्लस के टू ये इसको हम इक्वेशन नंबर नाइन दे देंगे अब हमें पता है हमारी रेट ऑफ़ इक्वेशन क्या होती है हमने अभी भी डिस्कस किया था रेट हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है उसकी अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं रेट विल बी इक्वल टू के टू इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनजाइम एंड सबस्ट्रेट ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में लिख के दिखाया था रेट वही रेट हमने यहाँ पर लिख दिया है फिर से और इसको हमने इक्वेशन नंबर टेन नेम दे दिया है अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नाइन इन इक्वेशन टेन ये हमारी इक्वेशन नाइन है यह हमारा इक्वेशन टेन है अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी ई एस है और इधर भी ई एस है तो इस ई एस की जगह हम ये पूरा टर्म को सब्सिट्यूट कर देंगे तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी रेट विल बी इक्वल टू के टू तो अपनी जगह पर रहा अब ये पूरा टर्म आ गया ई एस की जगह पर के वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल इंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्स्टेट डिवाइडेड बाय के वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट प्लस के माइनस वन प्लस के टू अब ये जो पूरा टर्म है हर एक टर्म को हम किस से डिवाइड कर देंगे के वन से डिवाइड कर देंगे तो हमने सबसे पहले ऊपर का कंसिडर करो ये हमारा पार्ट है के टू के वन ई नॉट और एस हमने इस पूरे टर्म को किससे डिवाइड कर दिया के वन से तो ऊपर का के वन और नीचे का के वन दोनों क्या हो जाएंगे कट तो हमें क्या मिलेगा बस के टू ई नॉट एस अब इस टर्म को अब सिर्फ इस टर्म को देखिए K1 और S को देखिए K1 और S हमने K1 से डिवाइड करा तो ऊपर का K1 और नीचे का K1 कैंसिल हो जाएगा और हमें सिर्फ क्या मिलेगा S अब यहाँ पर ऊपर तो कोई भी K1 नहीं है तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो पाएगा तो K-1 वन प्लस के टू डिवाइडेड बाय के वन अब इस की जगह हम पुट कर सकते हैं के एम के माइनस वन प्लस के टू अपॉन के वन की जगह हम के एम पुट कर सकते हैं वो होता है हमारा मैकेलीस कांस्टेंट सो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी रेट स्मॉल आर विल बी इक्वल टू के टू इन टू इनिशियल इंजाइम कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सब्स्टेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सब्स्टेट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस के एम यहाँ के एम हमारा क्या है मेकेलेस मेंटन कांस्टेंट और यही हमारी मेकेलेस मेंटन इक्वेशन है या फिर अब हम इसको आर एम यानि आर मैक्स max, के के टर्म्स में भी लिख सकते हैं सो आपको पता है कि हमने अभी आपको बताया कि आर मैक्स किसके बराबर है के टू और ई एस फ्रॉम इक्वेशन सिक्स और हमें यह भी पता है फ्रॉम इक्वेशन फाइव E नॉट और ई एस दोनों बराबर हैं तो अब हम क्या करेंगे R मैक्स को इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ये वाले टर्म्स को देखेंगे K2 है हमारी इक्वेशन में ई एस है हमारी इक्वेशन में नहीं है मगर हमें पता है कि ई एस और ई नॉट दोनों क्या हैं इक्वेशन फाइव से बराबर तो हम ई नॉट की जगह ई एस लग देंगे तो हम वो किसके बराबर हो जाएगा आर मैक्स तो हम यहां पर लिख देंगे के टू ई एस किसके बराबर है आर मैक्स

दोनों ही क्या है मिशेल मेंटेन इक्वेशन है Km in के एम इज अबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच हाफ ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ इन्जाइन आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ इन्जाइन सब्स्टेट कॉम्प्लेक्स अब मिशेलिस मेंटेन के प्लॉट हम कुछ केसेस के साथ कंसीडर करेंगे पहला केस जब हमारा के एम की वैल्यू बहुत ज्यादा है और सबस्ट्रेट की वैल्यू बहुत कम है तो क्या होगा सबस्ट्रेट की वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजल होगी तो हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे अब यहाँ पर सबस्ट्रेट बिल्कुल कम है तो हम उसको ऐड करें या नहीं करें तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी अब आर इक्वल टू आर मैक्स इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन के एम क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा ही कम है तो इसलिए हमने उसको इसमें नहीं लिखा तो हमें कैसा प्लॉट मिलेगा जब हम रेट और सबस्ट्रेट के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप होगा आर एम अपॉन के एम ये हमें फर्स्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा केस टू अब क्या कर हमने के एम बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा हम के एम को इग्नोर कर देंगे तो हमारा आर एम एस डिवाइडेड बाय एस सो एस से एस कैंसिल हो जाएगा और हमारे रेट की वैल्यू किसके बराबर होगी एग्जैक्टली रेट मैक्सिमम के तो हमें जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेट तो हमें एक कॉन्स्टेंट ग्राफ मिलेगा जो हमारा जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट मिशेलिस इज मेंटेन इक्वेशन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल